DBS Senior Secondary School, Tabiji, लेकर आए हैं online classes from pre-primary to class 12 for all subjects. 100% first division in 10th board. 50% discount for girls. DBS Senior Secondary School, near Tabiji Farm Road, Ajmer. बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आज सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के निर्देश पर सदस्य नुसरत नकवी और वंदना व्यास ने कोविड 19 महामारी के दौरान जिले में किस तरह की व्यवस्था रहे इसके समीक्षा की। साथ आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के निर्देश पर सदस्य नुसरत नकवी और वंदना व्यास ने कोविड 19 महामारी के दौरान जिले में किस तरह की व्यवस्था रही इसकी समीक्षा की और बच्चों को और बेहतर सुविधाएं किस तरह मिले इसको लेकर बैठक की गई। इस मौके पर अजमेर जिले के अधिकारियों ने कई सुझाव दिए। अजमेर में बढ़ते नशे को रोकने के लिए डी एडिक्शन सेंटर संभाग बार बनाने की मांग की गई। वहीं अजमेर के अलग अलग होम्स और अन्य स्थानों पर बंद बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट सेंटर बनाने का सुझाव भी दिया गया। इस सुझाव को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य राजस्थान सरकार से बातचीत करेंगी जिससे कि बच्चों की सुरक्षा स्वयं भविष्य को लेकर निर्णय लिया जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि ये दोनों ही सुझाव बच्चों के लिए अच्छे हैं जिन पर अमल होना ही चाहिए। हाँ, अभी आज जो हमने जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग राजस्थान का है उसके सदस्य हम दो आए हैं, नाम मैं नुसरत नकवी और वंदना व्यास जी, और हमारी जो अध्यक्ष महोदय हैं संगीता बेनीवाल जी के निर्देश अनुसार हम लोग हर ज़िले में जाकर के कोविड 19 के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग यहाँ का आकर के निरीक्षण कर रहे हैं। आज कुछ मुद्दों पर जो बात हुई उसके अंदर जो पहला मुद्दा आया है जो यहाँ पर इन लोगों ने एक डिमांड रखी है कि डी एडिक्शन सेंटर खोला जाए संभाग स्तर पर, इसके ऊपर आयोग इसको गंभीरतापूर्वक लेगा क्योंकि बच्चों के अंदर अभी हम लोग नशे की आदत को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और अजमेर ज़िले में तो इसको कुछ ज़्यादा ही पाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे स्टेशंस के आसपास वाले हिस्से हैं और जो शीशा खान वाला और उधर का एरिया है पहाड़ों वाला, पुष्कर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ बच्चों के अंदर काफ़ी नशे के चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज जो आयोग से इन लोगों ने उम्मीदें रखी हैं कि एक डी एडिक्शन सेंटर खोला जाए क्योंकि इन नशा मुक्ति तभी हो सकती है जब इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। होम में रखना, ग्रहों में रखना एक सॉल्यूशन नहीं है। तो हम इसको आयोग के ज़रिए सरकार तक की बात पहुंचाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है और भरोसा है, हमने इनको भरोसा दिलाया है कि हम ये एडिक्शन सेंटर ज़रूर खोलेंगे। एक चीज़ और सुझाव यहाँ आया है और रिकमेंडेशन आई है कि बच्चे जो होम्स में रहते हैं कभी काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और उनके जब माता पिता कोई नहीं है उनका परिवार का तो पूरा 18 वर्ष भी वो यहाँ पूरा करते हैं, तो जब वो पूरी बाहर निकलते हैं तो उनको इस दुनिया के अंदर कमाने की नहीं है या उनको एग्जिस्ट करने की नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं होते। तो इन लोगों ने, हमारे जो अभिषेक गुजराती जी हैं जो हैं डीडी साहब हैं, उन्होंने ये रिकमेंडेशन की है कि आप यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग का सरकार की तरफ से कोई प्रावधान करवाएं। तो ये भी हम सरकार के सामने रखें क्योंकि दोनों ही मुद्दे काफ़ी गंभीर हैं बच्चों को लेकर के, जिससे कि बच्चे के जो राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो सकेगा। और जब आयोग के सामने ये बात आई है तो आयोग इन लोगों को पूरी तरह से अश्योर करता है कि बात सरकार तक जाएगी और हम सरकार से इन चीज़ों बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक्चुअली राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग में हम लोग, मैं वंदना व्यास सदस्य हूँ और श्रीमती संगीता बेनीवाल के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर आज विजिट के लिए आए हुए हैं अलवर में, और यहाँ पर हमने पूरे दिन का विजिट किया है और स्पेशली कोविड 19 के वक्त जो सिचुएशंस हैं हम उसको देखने के लिए आए हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं बच्चों के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो हमने यहाँ पर बाल अधिकारिता विभाग के जितने भी हमारे हॉस्टल्स चल रहे हैं SJ के, उन सभी हॉस्टल्स को यहाँ पर विजिट किया है। बाल गृह है, शिशु गृह है, बालिका गृह है, संप्रेक्षण गृह है, सभी को विजिट किया है, वहाँ पर व्यवस्थाएँ देखी हैं जो कि हमें बहुत अच्छी देखने को मिली हैं। इसके साथ में हमने यहाँ पर एक सारे डिपार्टमेंट्स के साथ एक मीटिंग कॉल करी थी यहाँ पर, जहाँ पे हमने जानना चाहा है कि उनके साथ में क्या चैलेंजेस आए हैं इस कोविड 19 के वक्त में। तो हमने यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, चाइल्ड लाइन, ASTU और लेबर डिपार्टमेंट सभी को यहाँ पे बुलाया है और उनसे बात करी है और उनके चैलेंजेस जानने का प्रयास किया है। और बिल्कुल आयोग पूरी तरीके से सतर्क है और हम लोग पूरी तरीके से एक्टिव हैं यहाँ पर जानने के लिए कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। स्पेशली कि एजुकेशन को लेकर बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। हेल्थ की बात करें तो जो अभी आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं उन पर नहीं पहुँच पा रहा था, उनकी पहुँच बंद थे तो उसकी वजह से बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है। ANC मदर्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, तो इसके बहुत सारे हमें खामियाजे देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो इसके लिए भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट क्या अपने प्रयास कर सकता है
एजुकेशन क्या अपने प्रयास कर रहा है। बाल आयोग ने बहुत अच्छी एक एडवाइजरी अभी जारी करी है हाल ही में, जिसे एजुकेशन ने अपनाया है और सभी जगह सर्कुलेट किया है ऑनलाइन से रिलेटेड। इसी तरीके से हमारा उद्देश्य ही है कि और भी क्या डिपार्टमेंट है, क्या वो कर रहे हैं, और हमें अगर आयोग की तरफ से उन्हें क्या और ज़रूरत है, किस तरह के सपोर्ट की, तो उस लिए आज हम यहाँ पर आए हैं।